हेलो क्लास दिस इज मिस पविता वेलकम बैक टू आवर ऑनलाइन ईवीएस क्लास ऑन दिस क्लास वी विल सॉल्व द क्वेश्चन आंसर पार्ट ऑफ द चैप्टर आवर फूड सो आवर फूड का चैप्टर खत्म हो गया था यहाँ पर हम लोग आज करेंगे आवर फूड का जो क्वेश्चन आंसर पार्ट जो है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे और लिखेंगे ठीक है सो वॉट इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन आंसर दीजिए सबका हम लोगों को आंसर लिखना है सो क्वेश्चन इज वाट आर द थ्री वे इन विच फूड हेल्पर्स तीन वे लिखो जो जो कि फ़ूड हम लोगों को हेल्प करता है फूड हम लोगों को कौन कौन सा काम के लिए हेल्प करता है फ़ूड हमें ग्रोथ के लिए हेल्प करता है एनर्जी देता है और इलनेस से हम लोगों को प्रोटेक्ट करता है सो so, लिखेंगे कैसे फूड हेल्प अस ग्रो गिवस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट फ्रॉम इलनेस फूड हेल्पर्स ग्रो गिवस एनर्जी एंड प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इलनेस सेकेंड क्वेश्चन क्या है नेम टू सीरील्स दैट यू ईट दो सीरील्स का नाम लिखो जो कि तुम लोग खाते हो तो कौन कौन सा सीरील्स खाते हो सीरियल्स मतलब राइस व्हीट मेज बाजरा ये सब है बुलेट मिलेट ये सब जो है ये सब सीरील्स का नाम है तो दोनों सीरील्स का नाम लिखो जो कि तुम लोग खाते हो तो क्या क्या है राइस एंड व्हीट आर टू सीरील्स दैट वी ईट ठीक है थ्री नंबर क्या है नेम टू ग्रीन वेजिटेबल्स दो ग्रीन वेजिटेबल्स का नाम लिखो सो दो ग्रीन वेजिटेबल का नाम क्या है तुम लोग कुछ भी लिख सकते हो मैं यहाँ पर दो लिखे स्पीनास एंड कैबेज और टू ग्रीन वेजिटेबल्स ठीक है फोन नंबर क्या है हू डू फार्मर सेल देयर क्रॉप्स टू फार्मर लोग अपना क्रॉप्स को किस को बेचते हैं बिग पकीपर को सो बिग सॉपकीपर शॉपकीपर को क्या बोला जाता है होलसेलर बोला जाता है तो फार्मर सेल देयर क्रॉप्स टू होलसेलर सेलर फाइव नंबर क्या है व्हाट मेक्स फूड बिकम स्टेल फूड को बासी कौन बनाता है जम्स बनाता है सो जम्स मेक्स फूड बिकम्स बिकम स्टेल ठीक है तो जम्स ही फूड को स्टेल बना देता है बासी बना देता है सिक्स नंबर क्या है देर आर सम रूल्स वी मस्ट फॉलो टू ईट वेल एंड टू एंड बी हेल्दी राइट टू ऑफ दिस बहुत सारे रूल्स है देखो यहाँ पर जो हम लोगों ने देखे थे सम रूल्स जो है यहाँ पर सिक्स रूल्स दिया गया है इनमें से कोई भी दो रूल्स तुम लोग लिख सकते हो हेल्दी एंड ईटिंग वेल के लिए जो रूल्स है वहाँ पर वहाँ से दो रूल लिखना है मैं यहाँ पर क्या लिखी वी शुड नाट ईट स्टेल फूड बासी खाना हम लोगों को नहीं खाना चाहिए जिटेबल विथ क्लीन वाटर बिफोर इट दम हम लोगों को खाने से पहले फ्रूट और वेजिटेबल्स को धो के खाना चाहिए ठीक है ये क्या? आंसर गया आंसर दिज का पार्ट गया बी में क्या है सर्कल दन यहाँ पर जो सब दिया गया है उन सब से कौन सा अलग है उसको तुम लोगों को सर्कल देना है ठीक है सो फास्ट में क्या है मटन चिकन, फिश चीज एग सो तो यहाँ से कौन सा अलग होगा मुझे बताओ मटन चिकन फीस एग ये आ, और चीज़ ये सब क्या है से आता है तो यहाँ पर से कुछ भी आ, अलग नहीं होगा फिर और कोई आइडिया से देखते हैं मटन चिकन फीस और एग ये सब क्या है नॉन वेज है लेकिन चीज़ जो है वो नॉन वेज है क्या नहीं तो चीज़ क्या होगा और हो जाएगा तो चीज़ को यहाँ पर सर्कल बना दोगी फिर देखो यहाँ पर है जाम चीज़ बटर योघट क्रीम जाम चीज बटर योघट क्रीम देखो जाम और जाम को को जो बाकी सब है चीज बटर योघट क्रीम ये सब किससे बना हुआ होता है मिल्क का बाई प्रोडक्ट है चीज़ भी मिल्क से बना बनता है बटर भी मिल्क से बनता है योघट भी योगट मतलब दही दही भी दूध से मिल्क से बनता है और क्रीम भी मिल्क से बनता है लेकिन जाम मिल्क से बनता है क्या नहीं तो जाम होगा अलग ठीक है फिर थ्री नंबर क्या है व्हीट पटाटोज मिल्क सुगर ऑयल व्हीइट पटाटोज मिल्क शुगर ऑयल ये सब में क्या कॉमन है देखो ये सब क्या करते हैं खाने से एनर्जी गिविंग फूड है ये व्हीइट भी एनर्जी देता है, है पटाटो तो भी एनर्जी देता है मिल्क भी एनर्जी देता है शुगर भी एनर्जी देता है ऑयल भी एनर्जी देता है लेकिन व्हीट पटाटो मिल्क एंड शुगर ये सब खाने से थोड़ा सा मीठा लगता है पार्टी मुंह को मुंह को थोड़ा थोड़ा व्विट को भी अगर एक व्हीट को चबाओगी तो रोटी को भी खाली रोटी अगर खाते हो तो थोड़ी देर बाद वो मुँह को क्या लगता है मीठा लगता है सो तो ये सब क्या है एनर्जी गिविंग फूड है लेकिन ये क्या है फैट वाला फूड है सो ऑयल इज़ डिफ़रेंट ऑयल खाने से मीठा लगता है क्या नहीं सो so, ये सब मीठा है ये मीठा नहीं है इसलिए ये है ऑयल है डिफरेंट फिर आया फोर नंबर स्पिनाच कलीफ्लावर टमाटो केरोट ब्रिंजल स्पिनाच कलीफ्लावर टमाटो केरोट ब्रिंजल देखो यहां पर सब क्या है ये सब प्लांट का बाई प्रोडक्ट है लेकिन कैरेट को छोड़ के बाकी सब क्या है प्लांट जो है वो ग्राउंड के ऊपर होता है मिट्टी के ऊपर स्पिनच होता है मिट्टी के ऊपर ही कॉलीफ्लावर होता है मिट्टी के साथ जॉइंट होता है लेकिन ऊपर ही होता है ये ये सब हिस्सा टमाटो के टमाटो भी प्लांट के ऊपर जो होता है, है मिट्टी के ऊपर होता है लेकिन जो कैरेट है वो क्या पर होता है मिट्टी के नीचे होता है इसलिए कैरेट होगा डिफरेंट ठीक है फिर फाइव नंबर क्या है कैरेट पटाटो कोकुम्बर टमाटो लेट्यूस कैरोट, पटाटो कुकुम्बर टमाटो लेटूस यहाँ पर जो देखो ये सब जो सब है ये भी प्लांट का प्रोडक्ट है लेकिन पटाटो को छोड़ के हम सबको कच्चे में खा सकते हैं कैरोट को भी कच्चे में खा सकते हो कुकुम्बर को भी कच्चे में खा सकते हो सलाड बना के ये सब का ये सब सलाड बना के हम लोग खा पाते हैं लेकिन प्ला पटाटो को कच्चे में नहीं खा पाते इसीलिए पटाटो नहीं होगा ठीक है, पटाटो अलग हो जाएगा ठीक है फिर सी नंबर right पर जो right answer है उसको tick, tick मारोगी। प्लांट से, आता है? Plant से so plant को राइट मारोगी सीरियल्स पटाटोज एंड सुगर ये क्या करता है प्रोटेक्ट फ्रॉम इलनेस और गिवस एस एनर्जी सीरियल्स पटाटोज एंड सुगर क्या करता है यस yes. गिवस सच एनर्जी जो भी सीरियल्स पटाटो स्वीट थिंग्स जो होते हैं वो एनर्जी देते हैं छी नंबर फ्रूट एंड वेजिटेबल्स क्या करते हैं प्रोटेक्टर्स फ्रॉम इलनेस हेल्पअ ग्रो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स खाने से क्या होता है ग्रोथ होता है क्या नहीं ग्रोथ किससे होता है पल्सेस से होता है सो फ्रूट एंड वेजिटेबल्स से प्रोटेक्टर्स फ्राम इलनेस हम लोगों को बीमार नहीं बीमार नहीं होगा फिर फोर नंबर राइस व्हीट एंड मेज आर डैस राइस व्हीट एंड मेज क्या है पल्स है कि सीरियल से अभी मैं बताई सीरियल से बोल के राइस मेज व्हीट बाजरा ये सब सीरियल से पल्सेस मतलब जितने भी डाल है डाल जो खाते हो वो सब पल्स से आता है जो सीड से फाइव नंबर कैरोट एंड पटाटोज ग्रो एब द ग्राउंड और बिलो द ग्राउंड कैरोट एंड पटाटो ग्राउंड के ऊपर मिट्टी के ऊपर होता है कि मिट्टी के नीचे होता है बिलो द ग्राउंड सो बिलो द ग्राउंड को टिक मारोगे ठीक है डी नंबर में क्या दिया गया है कम्प्लीट द टेबल बाई टेकिंग द राइट बॉक्सेज देर मे बी समथिंग दैट वी इड रो एज वेल एज कुकड सो ये जो टेबल दिया गया है इसको सब के uh, जो टेबुल्स में फिलअप करोगी राइट right मार्क दे के मैं एक बता देती हूँ बाकी सब तुम लोग करोगी दो बता देती हूँ ठीक है देखो राइस जो है ये कहाँ से आता है फ्रॉम प्लांट से आता है क्या आता है तो राइट मारोगी फ्रॉम एनिमल्स राइस से आता है क्या नहीं आता है सो so इसको कुछ छोड़ दोगी ईट एन रॉ राइस को कच्चे में खाते हो क्या नहीं तो इसको भी नहीं टिक नहीं मारोगी फिर कूकड राइस को कूकड करके कुक करके खाते हो क्या ये तो इसको राइट मारोगी ठीक है और एक बता देती हूँ देखो टमाटू. टमाटो टमाटो फ्रॉम प्लांट्स आता है क्या आता है तो टिक मार दोगी से आता है क्या नहीं तो छोड़ दोगी ईट एंड रॉक कच्चे में खा सकते हो क्या हाँ खाते हैं सलाद बना के कुक्ड करके खाते हो क्या पका के हाँ ये भी खाते हैं सो so, यहाँ पर दोनों को टिक मार दी ठीक है so, सो बाकी सब तुम लोग ऐसे कर सकते हो अपने पेर अगर नहीं आता है तो पेरेंट्स को पूछ के पेरेंट्स के हेल्प से ये सब करना ठीक है सो दिस इज़ द होमवर्क फॉर यू टुडेज क्लास इज ओवर थैंक यू